हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया ही होगे होना क्या, घर में बैठे बैठे क्या होने वाला है। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन पार्ट टू। नरेशन पार्ट वन का वीडियो मैं आप लोग को दे चुका था, और जब भी मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ उसके बाद एक दो दिन का गैप देता हूँ आपको। एक दो दिन में क्लास ट्वेल्व का बुक स्टडी करवाता हूँ। एक दो दिन का गैप इसलिए देता हूँ ताकि जितना आपको मैं पढ़ाया हूँ उतने का प्रैक्टिस ढंग से कर सके। आप पे लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं, जो लोग प्रैक्टिस से भागते हैं दरअसल में वो सीख नहीं पाते हैं। आप अपने बुक से, किसी भी तरह का ग्रामर का बुक हो, उसमें उस टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कीजिए। इसलिए मैं हरेक के ग्रामर के एक दिन के बाद दो दिन आपको गैप देता हूँ ताकि आप अपने प्रैक्टिस से उस पर पूरी पकड़ बनाए। और अगर कोई वहां कंफ्यूजन रह जाता है तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करें। तो देखिए, आज हम देखेंगे नरेशन में आगे क्या होता है। उस दिन हम लोग सीखे थे फर्स्ट क्लास में कि किस तरह से हम लोग पर्सन चेंज करते हैं, प्रोनाउन का पर्सन कैसे हम लोग चेंज करते हैं, ये हम लोग सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि नरेशन बनाने में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लाने में किस तरह से वर्ब अपना फॉर्म चेंज करता है ना। हर तरह का सेंटेंस का अगर हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो वर्ब फॉर्म चेंज होता है। जैसे कि आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले क्लाउज को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो जब देखो, जब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब V1 या V5 फॉर्म में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है, किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब फॉर्म V1 या V5 होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होता है। जैसे ही सेज टू मी, यू गो टू मार्केट एवरी डे। अब देखिए, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। V5 है कि नहीं है? तो V5 है ना रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो V5 फॉर्म में है, तो इधर का वर्ब फॉर्म में चेंजेस नहीं होंगे। इसको हम कैसे बनाएंगे? ही टेल्स मी। वो आपको बताएंगे कि यहाँ टेल्स कैसे होता है, उसके लिए अलग से रूल है। ही टेल्स कैसे होगा, आस्क कैसे होगा। तो इस तरह से ही टेल्स मी दैट, अब आपको बताया था कि सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना। केस इसका क्या है? नॉमिनेटिव केस है। तो आप मी का नॉमिनेटिव केस आई, वर्ब फॉर्म नहीं बदलेगा। आई गो टू मार्केट एवरी डे, आई गो टू मार्केट एवरी डे। क्लियर? एक एग्जाम्पल और देखिए, आई या यू कर दो, यू से टू राम, यू से टू राम, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू से टू राम, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आप राम से बोलते हो तुम मेरा सबसे अच्छा मित्र हो। तो देखिए, यू टेल राम दैट, यू बदलेगा इसके अनुसार, तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ही यू टेल राम दैट ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, कहने का मतलब है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब V1 या V5 फॉर्म में हो तो इधर के वर्ब फॉर्म में कोई किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखेंगे हम लोग आगे आगे किस तरह का बदलाव होता है। बिल्कुल बेटा, इसको सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, है
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर रिपोर्टिंग वर्ब वी टू फॉर्म में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब वी टू फॉर्म में हो तो इधर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब वी टू फॉर्म में हो तो अगर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, देखो किस तरह से वर्ब फॉर्म में बदलाव आने वाले हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच में आपका वी वन या वी फाइव हो, डायरेक्ट स्पीच में क्या हो वी वन या वी फाइव हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम लोग वी टू में बदल देते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में वी वन या वी फाइव हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम वी टू में बदल देंगे। जैसे यहीं पे एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, एकदम एक एक पॉइंट को ठीक से समझते हुए आगे चलना है। वॉइस और नरेशन और ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो, बिल्कुल उसको जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ना है। तो देखो, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, यू राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो, ही सेड टू मी राम इट्स अ मैंगो। अब देखो वी टू है कि नहीं है, वी टू है ना, तो हम क्या करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, ही टोल्ड मी दैट, थर्ड पर्सन नो चेंज राम। अब वी फाइव यहाँ आया कि नहीं, वी फाइव आया डायरेक्ट स्पीच में वी फाइव, तो वी फाइव को या वी वन हम किसमें बदलेंगे वी टू में, तो इट्स का वी टू एट राम एट अ मैंगो, राम एट अ मैंगो, कोई दिक्कत। एक एग्जाम्पल और देखिए, सी सेड टू गीता बॉयज गो टू अ स्कूल, बॉयज गो टू अ स्कूल। अब देखिए, सी सेड टू गीता बॉयज गो टू अ स्कूल, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सी टोल्ड गीता, सी टोल्ड गीता दैट बॉयज, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब यहाँ वी वन है तो वी वन भी होगा, उसको भी हम लोग वी टू में बदलेंगे, बॉयज वेंट टू अ स्कूल, बॉयज वेंट टू अ स्कूल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए इसको एक बार, अगर समझ में आया है तो ठीक है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए आप, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। अगर इस डायरेक्ट स्पीच में वी वन या वी फाइव हो, जैसे कि यहाँ वी वन है यहाँ वी फाइव है, तो इनडायरेक्ट बदलते समय हम उसको वी टू में बदलते हैं। जैसे ईट का एट हुआ और आपका गो का वेंट हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखें, यदि एम इज आर हो, एम इज आर हो तो उसको हम लोग वाच या वर्ब में बदल देते हैं, जी फोर में बदल देते हैं, या सिर्फ अगर एम इज आर हो तो उसको वाच वर्ब में हम लोग बदल देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हैव हो, हैज हो तो उसको हम लोग हैड में बदल देंगे, हैज बीन हो या हैव बीन हो उसको हम लोग हैड बीन में बदल देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वी टू हो, अगर वी टू हो तो उसको हम लोग किस में बदलेंगे, उसको हम लोग बदल देंगे हैड बीन प्लस वी थ्री में, हैड प्लस वी थ्री में। अगर आपका वाज वर्ड प्लस वी फोर हो तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे हैड बीन प्लस वी फोर में। इतना उतार लिया जाए, इसको ध्यान में बैठा लेना है तभी आगे बन पाएगा।
इतना देखिए, हैज हो हैव हो उसको हम हैड में बदलेंगे, हैज बीन हो हैव बीन हो उसको हम हैड बीन में बदलेंगे, बी टू हो उसको हम हैड प्लस बी थ्री में चेंज करेंगे, वाज वर्ड प्लस बी फोर हो तो हैड बीन प्लस बी फोर में चेंज करेंगे, एम इज आर हो तो उसको वाज वर्ड में चेंज करेंगे, एम इज आर प्लस बी फोर हो तो वाज वर्ड प्लस बी फोर में चेंज करेंगे। कोई दिक्कत? देखा जाए, एग्जाम्पल देखेंगे, जितना ही एग्जाम्पल देखेंगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगी। ही सेड टू मी, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। कैसे बनाएंगे हम लोग? ही टोल्ड मी दैट, आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, दोनों ही नॉमिनेटिव केस में है तो ही का नॉमिनेटिव केस ही, दैट ही। अब यहाँ पे एम है तो एम को हम लोग क्या बोले थे कि एम ही जार हो तो उसको वाज वर्ड में चेंज करेंगे, तो एम को वाज, ही वाज अ गुड बॉय, ही वाज अ गुड बॉय। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और देखिए, राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन, शी इज गोइंग टू दिल्ली, शी इज गोइंग टू दिल्ली। कैसे बनाएंगे? राम टोल्ड मोहन दैट, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो शी इसका क्या हो जाएगा, वाज गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बॉयज, एक और एग्जाम्पल देखेंगे, बॉयज सेड टू मी, सेड टू मी, वी हैव डन दिस वर्क, यहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा, वी हैव डन वर्क या दिस वर्ड कर लीजिए, तो हम आपको बता देते हैं कि दिस कैसे बदलेगा, दिस वर्ड कैसे बनाएंगे, बॉयज टोल्ड मी, बॉयज टोल्ड मी दैट दे हैव को बदलेंगे किसमें, हैड में, दे हैड डन। अब ये जो दिस है ना, जो निकटवा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो जो निकटवर्ती सूचक शब्द है वो दूरवर्ती सूचक शब्द में, दूरस्थ सूचक शब्द में बदल जाते हैं, तो डन दैट वर्क। कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के वीडियो में इतना ही, इसको देखें और इस पे प्रैक्टिस करें। चेंज ऑफ टेंस का जितना भी क्वेश्चन है उसमें प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कुछ और भी क्वेश्चन होंगे, वो वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो इतना आप लोग आज देखें, इसको समझें और इस पर प्रैक्टिस करें। कल हम लोग आगे और देखेंगे नए लेसन में, क्योंकि जो थोड़ा सा डिफिकल्टी आने वाले थे वो इतना ही में है। चेंज ऑफ टेंस आप समझ लेंगे, एक पार्ट आप आज समझ लो, थोड़ा सा कल समझा देते हैं। इसमें विल है तो वुड में बदल जाएगा, तो इस तरह से उसके बाद बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। और इसको सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।